नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। जब मैंने 75 डेज हार्ट चैलेंज पिक किया था, सो मैंने कुछ मॉर्निंग के रिचुअल्स पिक करे थे जो कि मैंने हार्डकोर स्टडी किया था फ्रॉम आयुर्वेदा। नाउ आयुर्वेदा ने मुझे इतना सिखाया है कि मॉर्निंग का रिचुअल अगर आपका ठीक जाए, मॉर्निंग का रूटीन अगर आप ठीक पिक कर रहे हो, तो आपके दिन की डाइट अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो जाए तब भी आपका वेट शेड होता है, तब भी आपकी बॉडी हील करती है, आपके मेटाबॉलिक रेट ठीक होता है। दो तीन दिन पहले मैं अपनी एक क्लाइंट से बात कर रही थी जिन्होंने हार्डली अभी 10 किलो लूज़ करा है। वो एक ट्रैवल पे गए, वो 90 से 80 किलो पे आए हैं, वो ट्रैवल पे गए एंड ट्रैवल से वो 3 किलो गेन करके आए हैं 2 से 3 दिन के ट्रैवल में। उनका आया चीज़ कि यार सुमन, मेरी बॉडी ख़राब है, मैं बहुत हार्डकोर डाइट करती हूँ तब जाके मेरा कहीं कुछ वेट गिरता है। द मोमेंट मैं 1 से 2 चपाती एक्स्ट्रा खाती हूँ, अगले दिन ही मेरा वेट 1 से 2 किलो बढ़ा हुआ आता है। सो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी बॉडी से। अब आप लोगों के साथ ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होगी, इट मींस आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा डाउन है, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल ग्रीसिंग नहीं है एंड आप उनको यूज़ करे जा रहे हो, ना आप उनको रेस्ट देते हो, ना आप उनको रिलैक्स होने देते हो अपने ऑर्गन्स को, बस उनसे काम कराई जा रहे हो। नाउ आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारी ऐसी मैजिकल चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मैजिकल रिचुअल्स हैं जिसकी हेल्प से आपकी बॉडी हील होती है और बीमारियाँ फाइट होती हैं। सबसे पहली बीमारी हमारी फाइट होती है वेट गेन। बहुत सारे लाखों लोग इस चीज़ से परेशान है, वेट गेन बिना मतलब के वेट गेन होना। कल मैं अपनी एक नॉर्थ अमेरिका की क्लाइंट से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि उनके एरिया में कुछ एक ऐसे इंजेक्शंस आ गए हैं, इंजेक्टेबल है, जो आपके टमी में लगा देते हैं, आप थोड़ा सा भी खाओगे आपको प्यूकिश हो जाएगा। सो वहाँ पर लोग लूज़ कर रहे हैं 20 किलो 30 किलो इन 1 मंथ। यहाँ पर मैं बात करती हूँ आयुर्वेदा की, ये तो हो गया एक टेम्परेरी इलाज, हम बात करते हैं परमानेंट इलाज की। जब मैं 100 kg पे थी और अब मैं 60 kg पे हूँ, नाउ माई सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर मैं बहुत ज़्यादा भी खाती हूँ तब भी मेरा वेट हार्डली बढ़ता है 1.5 से 2 किलो। वाई सो? बिकॉज मेरा मेटाबॉलिक रेट बहुत स्ट्रांगली काम करता है एंड मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा है, तो मेरा वेट गेन ज़्यादा होता ही नहीं है चाहे मैं तीनों टाइम बहुत एक्सेसिव में खा लूँ। आपको अपना सिस्टम ऐसे करना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदा के वे से, अगर हम अपनी डाइट स्टार्ट करते हैं, अपना रिचुअल स्टार्ट करते हैं, सो हमारे वेट लॉस का आयुर्वेदा मॉर्निंग रूटीन क्या होगा स्पेशली फॉर वेट लॉस। जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका हर तरीके का डाइट करने के बाद वेट नहीं जा रहा, उन्होंने हर तरीके का मेथड लगा लिया, यहाँ पे ये चीज़ हम ट्राई करेंगे और ट्रस्ट मी विद इन 10 डेज यू विल सी 2 से 3 किलो तो बहुत आराम से जाएगा। और अगर आप इसको परमानेंटली अपनी लाइफस्टाइल ऑप्ट करते हैं और अगर आपका वेट किसी भी मेथड से नहीं गया है, आपके प्रोटीन पाउडर से लेके, वर्कआउट से लेके, क्रैश डाइट से लेके, इंटरमीडियंट फास्टिंग से लेके, जीरो कार्ब डाइट से लेके, लो कैलरी डाइट से लेके, कैलरी डेफिशिट डाइट से लेके, आयुर्वेदा के वे से आपका वेट जाएगा। सो सिंपल सा है आयुर्वेदा का मेथड कि हमें मॉर्निंग रिचुअल कैसे फॉलो करने हैं स्पेशली फॉर वेट लॉस। ये बहुत बड़ा सीरीज है, मैं धीरे धीरे करके इसकी चीज़ें लेकर आऊँगी। सो सबसे पहले बात करते हैं हम मॉर्निंग रूटीन की। सो मॉर्निंग रूटीन हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज़ उठने का टाइम फिक्स करेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 6:30 to 7 o'clock के बीच में उठेंगे एवरी डे। ये आपका एक बेसिक थिंग है कि आपको 6:30 से 7 बजे के बीच में उठना ही उठना है और अपने आप को आपने 1 घंटा देना है मॉर्निंग का। अगर आप 1 घंटा मॉर्निंग का अपने सेल्फ के लिए, सेल्फ लव और हम कहते हैं इसको सेल्फ रूटीन के लिए निकाल लेंगे, ट्रस्ट मी आपका आराम से वेट शेड होगा। मैं मानती हूँ आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी है, स्ट्रेसफुल है, नहीं है टाइम, बट 1 घंटा आपको मॉर्निंग का निकालना है। सुबह उठने के बाद आपने सीधा वॉशरूम जाना है, वॉशरूम यूज़ करेंगे, वापस आएंगे, आपने अपना वेट चेक करना है, कितना आपका मशीन पे वेट आ रहा है डिजिटल वेइंग मशीन पे, एंड उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करना है। आपने ब्रश नहीं करना। मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आयुर्वेदा का एक मेथड, हम उसे कहते हैं उषापान। उषापान क्या होता है कि आपने 1 लीटर पानी विदाउट ब्रशिंग आपने पीना है सुबह उठ के वेट चेक करने के बाद। 1 लीटर पानी आपने कुकड़ू पोजीशन, नाउ दिस इज़ द कुकड़ू पोजीशन, ये एक पोज में बैठ के आपने 1 लीटर पानी पीना है पूरा सिप 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 करके, एंड उसके बाद जाके आपने ब्रश करना है एंड दोबारा आपने फ्रेशन अप होना है। इस पूरे सिस्टम को लग जाएगा आपका आधा घंटा, 25 to 30 मिनट सिप सिप करके आपने पानी पीना है। अगर आप हल्का गर्म पानी 1 लीटर का सुबह पी सकते हैं तो और बेस्ट है। आपके मुंह का जो सलाइवा है, जो पूरी रात आप सोए हो, वो इतना पावरफुल हमारा बन जाता है कि वो जब पानी के साथ आपके स्टमक और अंदर जाता है, वो आपके गट के अंदर के जितने भी बैड बैक्टीरिया है उन सबको किल करता है।
गट हेल्थ कैसे हमारी ठीक रहती है, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, हमें बैड बैक्टीरिया को किल करना है तभी हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, हमारा गट अच्छा रहेगा। सो हमें बैड बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमारे माउथ के अंदर का जो सलाइवा उसको वाटर के साथ अंदर इनटेक करना है, उससे हमारा बैड बैक्टीरिया किल होगा एंड गुड बैक्टीरिया और ज़्यादा हमारा आएगा। नेक्स्ट, ऊषा पान करने के बाद आपने योगा करना है, किसी भी टाइप का आपने योगा पोजेस पकड़ने, एनी टाइप के, स्ट्रेचिंग है स्ट्रेचिंग कर लो, आप अलोम विलोम कर सकते हो, आप प्राणायाम कर सकते हो, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, और मैं डेली बेसिस में अपने आप को 15 से 20 मिनट देती ही देती हूँ। नेक्स्ट, अब आता है आपका मॉर्निंग रिचुअल, हर्बल जूसेस, आपने हर्बल जूसेस लेने हैं। नाउ हर्बल जूसेस कौन से हैं, कैसे बनाने हैं, चलते हैं किचन में। ओके जी, सो पहला हर्बल जूस हम बनाएंगे आंवले का, आंवला सीजन में भी है, इस समय सबसे स्ट्रांग एंटीबायोटिक्स का काम कर रहा है। ये रहा हमारा ब्लेंडर, इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा 1, 2, 3, 4 दो से ढाई आंवला मैंने डाला है, आधे कप जितना मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। सो ये रहा आपका आंवला जूस, मेक श्योर इसका जितना भी पल्प है वो आप अपने जूस में ऐड करेंगे, इसको छान के नहीं पीना, पूरा का पूरा आंवले का पल्प हमने जूस में ऐड करना है। ये रहा हमारा नंबर 1 हर्बल जूस। दूसरी हमारी हर्बल टी है हमारी कांजी, एक सबसे स्ट्रॉन्ग फर्मेंटेड ड्रिंक जो कि इस सीजन में सबसे ज़्यादा घरों में रहती है, और ये है कांजी। ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों के घर में बनाई हुई होगी। ये है हमारा बीटरूट और काली गाजरों की फर्मेंटेड ड्रिंक, जिसको 10 से 15 दिन लगते हैं पूरा बनने में। पानी लिया, उसके अंदर मैंने डाली है काली गाजरें, चुकंदर, हमारा बीटरूट, इसके अंदर मैंने डाली है नमक, हमारी रई, दैट्स इट। और 15 दिन हम इसको डेली ऐसे थोड़ा सा हम इसको मूव करेंगे एंड ये ड्रिंक 15 डेज के बाद तैयार होती है। सो एक गिलास हम इस जूस का भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हमारा हर्बल जूस हमारे घर के पौधे से, एलोवेरा का जूस। बहुत सिंपल सा है इसकी रेसिपी, इसका सारा पल्प निकालना है। ओके जी, सो ये रहा मेरे पास मेरा एलोवेरा जेल, इसके अंदर मैं डालूंगी पानी आधा कप जितना, आधा कप ही लेना है, हमने इसको एक एक गिलास नहीं बनाना, जस्ट हाफ कप। इसको हम ब्लेंड करेंगे बहुत अच्छे से, और ये रहा हमारा एलोवेरा जूस, हमारी तीसरी हर्बल ड्रिंक। हर्बल जूसेस लेने के बाद अब आता है ब्रेकफास्ट की बारी। नाउ ब्रेकफास्ट हमारा 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हमने सारे रिचुअल्स अपने निपटा लिए हैं। 9 बजे तक मैक्सिमम आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। नाउ ब्रेकफास्ट का मेन्यू क्या रहेगा, हमको फर्मेंटेड फूड चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए या बॉइल्ड खाना चाहिए। आयुर्वेदा का एक सिंपल मेथड है, जैसे जैसे सन बढ़ेगा, सनलाइट बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा। जैसे जैसे सन डाउन जाएगा, वैसे वैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है काम करना कम कर देगा या बंद करेगा। अब मॉर्निंग का है, थोड़ी कम हमारे पास सनलाइट है, उसमें हम बॉइल्ड फूड लेंगे या फिर फर्मेंटेड फूड लेंगे। आप बॉइल्ड फूड के अंदर क्या क्या ले सकते हो, मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं हमारी दालों की, हाई प्रोटीन की, मेरी सैलड्स की। यहाँ पे राजमा सैलड मैंने बॉइल्ड आपको दिखाया है, लॉट्स ऑफ सैलड्स के साथ, लोबिया का सैलड, ग्रीन मूंगे दाल के सैलड, ब्लैक चना का सैलड, आप इनमें से कोई भी सैलड पिक कर सकते हो। या फिर आप 2 इडली खा सकते हो, जो कि घर की बनी हुई इडली है, मार्केट के रेडीमेड नहीं। आप घर का बना हुआ दाल का ढोसा खा सकते हो, आप दाल के चीले भी ले सकते हो। आपका जो ब्रेकफास्ट होगा वो हाई प्रोटीन का होना चाहिए और जस्ट बॉइल्ड और बहुत ज़्यादा लाइट हम रखेंगे एज पर दी आयुर्वेदा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ये जो ब्रेकफास्ट है इसके ऊपर आपने किसी भी टाइप का एक्सेस ऑफ घी एंड बटर ऐड नहीं करना। जितना हम इसको लाइट रखेंगे उतना हमारा ब्रेकफास्ट का बेस्ट है। अब ब्रेकफास्ट के साथ आप लोगों को चाहिए होता है मिल्क वाली टी एंड कॉफ़ी। अगर आप डेयरी क्विट करते हो, आपके अंदर का जो बैड बैक्टीरिया है वो और अच्छे से किल हो जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स अब हम बिल्कुल बंद करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे, और हम चाय जो लेंगे, चाय या कॉफ़ी, हम लेंगे हमारे डेयरी फ्री मिल्क से। मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ है, ओट मिल्क, आलमंड मिल्क या फिर वॉलनट मिल्क, कैशू मिल्क, आप इनमें से कोई सा भी मिल्क पिक कर सकते हो और दूध वाली चाय बना सकते हो। इसकी स्पेसिफिक वीडियो जो होगी एक शॉर्ट मैं निकालूंगी कि डेयरी फ्री चाय हम कैसे बनाते हैं।
ये पूरा का पूरा एक रिचुअल है, एक मेथड मैंने आपको बताया आयुर्वेदा की तरह अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने का, स्पेशली मॉर्निंग रूटीन का। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं आपको लंच के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगी, आपके डिनर का रेसिपीज इंट्रोड्यूस करूंगी एज पर दी आयुर्वेदा, एंड किस तरीके से आप प्रॉपरली अच्छे से एक महीने में 15 किलो तक लूज कर सकते हो इन 30 डेज, मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगी। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ रियली यूजफुल। जिन जिन लोगों को लगता है कि वेट स्टक है, मैं यहाँ पे 2024 में इतने सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स लेके आऊँगी, इतने सारा वेट लॉस का मेथड पूरा का पूरा मैं चेंज कर दूँगी, आप लोगों का माइंडसेट में चेंज कर दूँगी रिलेटेड टू वेट लॉस। जो जो लोगों को लगता है कि जीरा अजवाइन तेजपत्ता का पानी उबाल उबाल के पीने से आपका वेट लॉस अच्छा होगा, मेटाबॉलिक रेट ठीक होगा, बिल्कुल रॉन्ग है। आपको बहुत सारे मेथड्स लगाने पड़ेंगे, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी हर्ब्स अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी पड़ेगी सो दैट आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो ठीक हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा और आपका वेट गेन की जो एक महाभयंकर बीमारी है उससे आपको राहत मिलेगी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। आई सी यू सून विद फुल कम्प्लीट आयुर्वेदा डाइट प्लान, एंड या तब तक के लिए टेक केयर जी, बाय बाय, नमस्ते।